एनएसएस यूपीएस के विरोध में अटेवा ने निकाला पेंशन आक्रोश मार्च। अर्धसैनिक बलों सहित देश भर के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग की। अटेवा व एनएमओपीएस के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिले भर के शिक्षकों व कर्मियों ने प्रदेश संयुक्त मंत्री जनार्दन शुक्ला, प्रदेश आईटी सेल सह प्रभारी वीरेंद्र कुमार सक्सेना के निर्देशन में जिला अध्यक्ष ब्रजेश द्विवेदी, जिला महामंत्री संजय कर पाठक, जिला कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण चौधरी, जिला संयोजिका कल्पना के नेतृत्व में बीएसए कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट तक पेंशन आक्रोश मार्च बाइक रैली निकाला। इस अवसर पर अटेवा के प्रदेश संयुक्त मंत्री जनार्दन शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों व कर्मियों को एनपीएस यूपीएस में से कुछ भी स्वीकार नहीं है, पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जब तक सभी शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मंडल अध्यक्ष बलवंत चौधरी ने कहा कि यदि एनपीएस धोखा गई तो यूपीएस कर्मचारियों के साथ महाधोखा है। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित रखना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। जिला अध्यक्ष अटेवा ब्रजेश द्विवेदी ने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह किसी एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई सभी कर्मियों व शिक्षकों की है। अपने हक के लिए लड़ना सभी का अधिकार है। पेंशन आक्रोश मार्च में जिले भर के शिक्षकों व कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने प्रतिभाग किया। आक्रोश मार्च में प्राथमिक शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद टीएससीटी, सफाई कर्मचारी संघ पीडब्ल्यूडी, ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी संघ, विशिष्ट बीटीसी संघ, महाविद्यालय शिक्षक संघ, प्रयोगशाला सहायक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, राजस्व संग्रह अमीन संघ, एआरपी एसोसिएशन सहित अन्य संगठन शामिल रहे। पेंशन आक्रोश मार्च में रमेश चंद्र मिश्रा, कली मुल्ला, रामकरण गुप्ता, कैलाश मणि त्रिपाठी, दयानंद मणि, रणजीत कुमार गौतम, राजेश कुमार मिश्रा, सुजीत कुमार जायसवाल, आनंद शुक्ला, शेषनाथ, शोभनाथ, हरिओम सिंह, हरिमोहन सिंह, देवेंद्र त्रिपाठी, प्रमोद त्रिपाठी, मनीष दुबे, रघुवंश मणि पटेल, हरीश चंद्र चौधरी, दधीची कुमार विमल, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अमृतलाल, अंजना शर्मा, श्वेता श्रीवास्तव, अर्चना कुलश्रेष्ठ, श्रुति शुक्ला, नेहा वाजपेयी, स्मृति दिशा मिश्रा, अरुण विश्वकर्मा, शिवप्रसाद चौधरी, अजय यादव, हिमांशु यादव, संजय रामकरण गुप्ता, कैलाश मणि त्रिपाठी, दयानंद मणि, रणजीत कुमार गौतम, राजेश कुमार मिश्रा, सुजीत कुमार जायसवाल, हजारों की संख्या में शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर हूँ। सर, कुछ लोगों ने ज्ञापन सौंपा, कौन थे ये लोग, क्या थी मांगे? ये सभी राज कर्मचारी हैं। अब इन लोगों का जो है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ये अटेवा पेंशन मंच के लोग हैं जो जनपद में जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को, मंत्री जी को ज्ञापन पहुँचा रहे हैं। सब कुछ तो पहुँचाया जाएगा। क्या मांगे हैं? वही पुरानी पेंशन बात जो है के लिए बहाली की मांग कर रहे हैं। आश्वासन क्या है? आश्वासन शासन द्वारा जो निर्णय लेगी वही सबको मानना होगा। जिलाध्यक्ष अटेवा सिद्धार्थ नगर का क्या है मांगे? जी सर, पुरानी पेंशन बहाली के लिए पुरानी पेंशन बचाओ मंच अटेवा सिद्धार्थ नगर लगातार पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे 10 वर्ष के संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमको सरकार ने यूपीएस दिया है जो एनपीएस से भी बदतर है। इसलिए बद और बदतर हमको नहीं चाहिए, हमको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। इसलिए हमारा यह संगठन आज जिले भर के शिक्षक और कर्मचारियों के साथ मिलकर जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन दिया गया है। लगातार कितने वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं? जी सर, हम लोग 10 से 11 वर्ष हो गए, लगभग 14-15 से हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया और आज तक यहाँ तक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। क्या आशा है? बिल्कुल, हम लोग 110% आश्वासित है कि पुरानी पेंशन बहाल करवा करके और इसी लोकसभा में बहाल करवाएंगे। मैं जनार्दन शुक्ला हूँ, इसी जनपद का निवासी हूँ, इसी जनपद में कार्यरत भी हूँ। मैं अटेवा का प्रदेशीय मंत्री हूँ और आज हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकत्रित हुए, जिसमें सारे विभाग के साथी हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। ये एक अनूठा कार्यक्रम है सर, जिसे ये पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज आयोजित किया गया। इसी के क्रम में हम लोग सिद्धार्थनगर मुख्य धारा पर उपस्थित हुए हैं। सभी शिक्षक कर्मचारी अपनी मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए और जो सरकार ने एनपीएस और यूपीएस रूपी झुंझुना हमको दिया उसके विरोध में हम लोग। कितने विभाग रही होंगी? कितने विभाग के लोग रहे होंगे?
इसमें कोई विभाग बचा नहीं है जो होना, इसमें बेसिक हो गया, हमारे माध्यमिक के साथी हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, सफाई कर्मचारी साथी हैं, सारे विभाग के साथी हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसके साथी माने। क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। और ये मान के चलिए कि हमने 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी कराया है, किसी अटेवा के मैनर के तरह।